जिसको आपने वोट दिया उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया, तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया, मगर जिस जिसको आपने अपना वोट दिया, जिस जिसको आपने अपनी दुआओं से अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की, काम करवा लिया। आपने कभी कांग्रेस तो कभी सोशलिस्ट पार्टी तो कभी जनता दल तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपने कुछ हासिल नहीं किया, जिसको आपने वोट दिया आपने उनकी किस्मत बदल दी, जिसको आपने वोट दिया उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया, तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया, मगर जिस जिसको आपने अपना वोट दिया, जिस जिसको आपने अपनी दुआओं से अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला दलित और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उभरे उत्तर प्रदेश में। जब तक आपकी एक आजाद सियासी क़यादत लीडरशिप नहीं निकलेगी, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप महिमा पटेल को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए लिफाफे के निशान पर, बल्कि उम्मीद के ऊपर आप महिमा पटेल का साथ दीजिए। आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे पुरोमीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, याद रखिए, वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए।